पाएगा। अरे बाप रे, ये तो वीडियो बनेगा हो। ए चाचा, चाचा दादा, तू तो प्रधान रोहित भाई, रोहन आइए, दूसरी बात करना चाह रहे, लेना देना लगा। ठेला ठेली मत कीजिए, रुक जाइए। आपस में ठेला ठेली कीजिएगा तो कैसे होगा भाई? ठेला ठेली दे दो भाई। आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, अरे आप पीछे उधर जाइए ना, चौकी मत चढ़िए ना, चौकी मत चढ़िए। अरे पप्पू जी अभी बोलिए, बैठने के लिए बहुत सारे खाइए ना पप्पू भैया। आप लोग पीछे से सुनिए, हाँ सही बात बोल रहे हैं। औरों के तरह बात मत करिएगा भैया, भैया आप गजब आदमी है। योगी बना चेहरा, भगवान किस्मत के बदौलत ये नहीं, अरे आप एक पावर, ठीक है। मैं इनको मान लिया कि एक जीनियस लड़का है, गर्व हो सकता है एक व्यक्ति पर, एक बच्चा पर, जनता जैक्सन थोड़ा सा सर मेरी बात सुनिए, एकदम ठीक है। बनाने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, और अखबार पेपर वाले से भी, इसके पहले भी एक बच्चा मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, याद होगा नीतीश कुमार जी के सामने में, याद करिए आप, कहां कही थी? हॉल, ठीक है, बगल में कल्याण बिघा, नीतीश कुमार जी कहा इस गांव आ गए तो सोनू से भेंट हो गई। क्या नीतीश कुमार बिहार के 14.5 करोड़, हम जानना ये चाहते हैं कि क्या करोड़ों सोनू से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी? कल्याण विभाग नहीं है तो एक 40 सालों से दो व्यक्ति की शासन रही, जिसमें सुशील मोदी भी आधे हिस्सेदार थे, साझेदार थे। 87 में राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय बनाया, इसको आप रखिए। हाँ, अरे इधर सुनो, देखते रहो बाबू, सुनो बब्बू, और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो बब्बू? और क्या चाहते हैं कि सिमुलतल्ला में हमारा एडमिशन हो जाए? सिमुलतल्ला तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आए थे, अब पप्पू यादव जी के साथ आप जाना चाहोगे? अब अभी जिसमें काम हो रहा है तो पहले एडमिशन कराना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि सिमुलतल्ला जो स्कूल है उसमें इनको, इनके जीनियस को किसी भी कीमत पर अब पास करना पड़ेगा। सिस्टम मैं सुशील मोदी विकल्प दिए, सरस्वती शिशु मंदिर सर मैं एक बात बोलूं, सुशील मोदी से पूछिए, सेंट्रल स्कूल का जब एमपी के द्वारा हो रहा था तो सबसे ज्यादा विरोध उसी ने क्यों किया? और जबकि सेंट्रल स्कूल में सबसे ज्यादा पैरवी सुशील मोदी करते थे। सुशील मोदी से जरा ये पूछिए, इतने दिन डिप्टी सीएम रहे, पटना का एक स्कूल का नाम बता दो,
मात्र 1.5 साल आप पप्पू यादव को एजुकेशन दे दो, दुनिया का नंबर हर स्कूल ना हो जाए और एजुकेशन माफिया का पलायन ना हो जाए।